रिज़्क औरत के नसीब से होता है जबकि औलाद मर्द के मुकद्दर से। इसके लिए रिज़्क के लिए मर्द ना बदलो और ना ही औलाद के लिए औरत। बेटी को तुम जहेज ना दो मगर मन पसंद शख्स ज़रूर दो। खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत है। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, किसी के लिए अपनी मसरूफियात तर्क करना कोई माने नहीं रखता। कुछ भी हो जाए लोग बस अपने हिसाब से ही चलते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो इंसान को तोड़ कर रख दे। जज्बात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं पर पूरी ज़िंदगी पर इनको हावी कर लेना अपनी ज़ात के साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बत ही है, नफ़रत तो हमें जीना सिखाती है। अक्सर औकात मोहब्बत के दावेदार हकीकत खुलने पर बेकार साबित होते हैं। कुछ सोचें दर्द का दरवाज़ा खोल देती हैं। पता है औरत दूसरे मर्द की तरफ माइल क्यों होती है? औरत दूसरे जब उससे जुड़ा हुआ मर्द उसे मोहब्बत और इज्जत देना छोड़ देता है, क्योंकि औरत अपने मर्द से मोहब्बत और इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहती। तो बराए करम दोस्तों, अपनी औरतों की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखो ताकि वो अपनी इज्जत तुम्हारे लिए बचा कर रखे।